Hey viewers, welcome back to the Bus Computer Show. आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट गेमिंग कैबिनेट अंडर 2020। ये सारे कैबिनेट्स मैंने इन बेसिस पर सेलेक्ट किए हैं पर्सनल ओपिनियन से, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट पे लोएस्ट रैंक करने वाला कैबिनेट है एंटी स्पोर्ट्स आइस 300। इस कैबिनेट में आपको 3 ARG फैन इंस्टॉल मिलते हैं एंड फ्रंट पर आपको मेश भी दिया जाता है एंड 3 ARG फैंस और मेश के होने के वजह से इस कैबिनेट में एयर फ्लो अच्छा खासा मेंटेन रहता है। इसमें आप 2 HDD और 2 SSD तक लगा सकते हो एंड ये रहा इसका IO पैनल। बात की जाए लिक्विड कूलिंग सपोर्ट की, तो टॉप पे आप इसमें मैक्सिमम 240mm साइज का रेडिएटर लगा सकते हो एंड फ्रंट पर भी आपको 240mm साइज के रेडिएटर का लिमिटेशन दिया जाता है। मतलब इस कैबिनेट में आप मैक्सिमम 240mm साइज का रेडिएटर ही लगा पाओगे, जो कि इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। टेम्पर्ड साइड ग्लास पैनल और PS3 शॉट इसमें आपको दिया जाता है एंड बिल्ड क्वालिटी भी इस कैबिनेट की प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है। तो एंटी स्पोर्ट्स आइस 300 हमारे लिस्ट पे 5th रैंक करता है एंड इसकी करेंट प्राइस चल रही है 4000 रुपीज। रैंक 4 पे रैंक करने वाला कैबिनेट है डीप कूल मैट्रिक्स 43FS। इस FS वर्जन में आपको 3 ट्राइकलर ऑटो RGB फैंस दिए गए। ये फैंस ऑटो RGB के साथ आते हैं, मतलब इनकी RGB आप चेंज नहीं कर सकते। वह फ्रंट पर आपको एक अलग सा मैश डिजाइन दिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ऑसम दिखता है। इसमें भी आप 2 HDD और 2 SSD तक लगा सकते हो एंड ये रहा इसका IO पैनल। इसमें आपको फ्रंट पर और टॉप पर दोनों जगह पर 280mm साइज के रेडिएटर का सपोर्ट दिया जाता है और यही इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें भी आपको 360mm के रेडिएटर का सपोर्ट नहीं दिया जाता, ना टॉप पर ना फ्रंट पर। इसमें भी आपको टेम्पर्ड साइड ग्लास पैनल और PS3 शॉट दिया जाता है एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है बिकॉज ये डीप कूल जैसे ब्रांड की तरफ से आता है। तो डीप कूल मैट्रिक्स 43FS हमारे लिस्ट पे 4th रैंक करता है एंड इसकी करेंट प्राइस चल रही है 3800 रुपीज। हमारे लिस्ट पे 3rd रैंक करने वाला कैबिनेट है गेमडिया स्टालोस E2। इस कैबिनेट में आपको 120mm के 3 ARG फैन के साथ 120mm का एक नॉन RGB फैन इंस्टॉल दिया जाता है। इस कैबिनेट का एयर फ्लो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें आपको फ्रंट में ग्लास दिया जाता है एंड एयर इनटेक करने के लिए ग्लास और कैबिनेट के बीच में थोड़ी सी जगह दी जाती है, जिसकी वजह से इस कैबिनेट में ऑप्टिमम एयर फ्लो इनटेक नहीं हो पाता है। इसमें आप या तो एक जगह पर 2 HDD या फिर 1 SSD तक लगा सकते हो एंड अलग से इसमें आपको 1 SSD केज और 3 SSD लगाने का ऑप्शन भी दिया जाता है एंड ये रहा इसका IO पैनल। 280mm साइज तक का रेडिएटर इसमें आप टॉप पर माउंट कर सकते हो एंड इसमें आपको फ्रंट पे 360mm का रेडिएटर माउंटिंग का सपोर्ट दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। टेम्पर्ड ग्लास पैनल PS3 शॉट इसमें भी आपको मिलता है एंड इस कैबिनेट की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इसके प्राइस के हिसाब से। तो गेमडिया स्टालोस E2 की करेंट प्राइस चल रही है 4000 रुपीज। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ऐसे PC रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है, आप PC बिल्ड्स देखना पसंद करते हो, PC हार्डवेयर न्यूज़ देखना पसंद करते हो, आपको अगर पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बेस्ट PC पे रेफरल्स के ऊपर सजेशंस चाहिए रहते हैं, तो हमारे चैनल पे हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड अगर आपको वीडियो अभी तक और एंड तक पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। रैंक 2 पर रैंक करने वाला कैबिनेट है फिर से गेमडियास की तरफ से अपोलो E2। ये कैबिनेट पूरा पिछले वाला जैसा सेम है, टालोस के जैसा। इसमें भी आपको एक्सपांजन स्लॉट सेम मिलते हैं, रेडिएटर सपोर्ट भी इसमें आपको सेम दिया जाता है एंड ऑफकोर्स इसमें भी आपको टेम्पर्ड ग्लास पैनल और PS3 शॉट दिया जाता है एंड इसका भी वही एक बैक ड्रॉ है कि इसमें आपको फ्रंट पर ग्लास दिया जाता है एंड ग्लास और कैबिनेट के बीच में इतनी ज़्यादा जगह नहीं दी जाती, जिससे एयर फ्लो इनटेक करने के लिए कैबिनेट को दिक्कत होती है। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि इसमें आपको फ्रंट पर 120mm के फैंस की जगह 200mm की ARG फैंस दिए जाते हैं एंड उसके साथ 120mm का एक नॉन RGB फैन इंस्टॉल दिया जाता है एंड 200mm के फैंस 120mm के फैंस के मुकाबले ज़्यादा एयर पुल कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गेमडियास अपोलो E2 की एयर फ्लो परफॉर्मेंस आपको गेमडियास टालोस E2 से थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलेगी एंड इसी की वजह से मैंने इसे टालोस E2 के ऊपर रैंक दिया। तो गेमडियास अपोलो E2 हमारे लिस्ट पे 2nd रैंक करता है एंड अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 4000 रुपीज। हमारे लिए इसका बेस्ट कैबिनेट है गैलेक्सी रिवॉल्यूशन 05। इस कैबिनेट में आपको 4 ARG फैन इंस्टॉल मिलते हैं, 3 फ्रंट और 1 रियर में एंड अनलाइक अपोलो और टालोस E2 इसमें आपको फ्रंट में मेश भी दिया जाता है। मतलब इस कैबिनेट का जो एयर फ्लो वो बहुत ज़्यादा अच्छा मेंटेन हो जाएगा। इसमें आप 2 HDD और 3 SSD तक लगा सकते हो एंड ये रहा इसका IO पैनल।
इसमें आपको टॉपर 280mm साइज़ के रेटर का लिमिटेशन देखने के लिए मिलता है, बट फ्रंट पर आप इसमें 360mm का रेटर भी माउंट कर सकते हो। टेम्पर ग्लास पैनल और पिंच शॉट इसमें आपको मिलता है, वो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो गैलेक्सी रिवोल्यूशन 05 हमारे इस लिस्ट पे बेस्ट कैबिनेट है और रैंक वन पे रैंक करता ही है, एंड इसकी करंट प्राइस चल रही है 4000 रुपीज़। तो इन सारे कैबिनेट्स को मैंने फिजिकल रिव्यूज़ देख के और पर्सनल ओपिनियन से रैंकिंग दी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि और कोई कैबिनेट इस लिस्ट में होना चाहिए था तो उसका नाम आप कमेंट्स में पिन भी कर सकते हो। अगर मुझे लगा उस कैबिनेट की स्पेक्स देखकर और रिव्यूज़ देखकर कि वो कैबिनेट इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूंगा। अगर आपको बेस्ट कैबिनेट अंडर 5000 रुपीज़ देखना तो ये रही वीडियो, एंड अगर आपको बेस्ट कीबोर्ड अंडर 2000 रुपीज़ देखना तो उसकी भी वीडियो ये रही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।